महाराज छत्रसाल बुंदेलखंड विश्वविद्यालय में चल रही अंतर जिला विश्वविद्यालय स्तरीय युवा उत्सव प्रतियोगिता में 6 जिलों के विभिन्न महाविद्यालयों में पढ़ने वाले विद्यार्थी पहुंचे हैं। 17 जनवरी से 19 जनवरी तक आयोजित होने वाली इन प्रतियोगिताओं में स्पॉट पेंटिंग, क्ले मॉडलिंग और चित्रकारी के कई प्रतिभागी भी पहुंचे हैं। ये प्रतिभागी अपनी अपनी कूची से अपने भावों को कैनवास पर उतार रहे हैं। आयोजन में शामिल कई विद्यार्थियों ने अपनी कूची से शानदार चित्रकारी दिखाई। इस आयोजन के प्रभारी डॉक्टर एस के छारी ने बताया कि किस तरह विद्यार्थियों की प्रतिभा इस तरह के आयोजन से निखरती है। ये मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा विभाग के निर्देशानुसार युवा उत्सव का आयोजन संभाग स्तरीय हो रहा है। इसमें 6 जिलों ने भाग लिया है, पन्ना, टीकमगढ़, सागर, दमोह और छतरपुर निवाड़ी। यहाँ पे रूपांकन विधाओं की प्रतियोगिता चल रही है, ललित कलाओं की, जिसमें पोस्टर और स्पॉट पेंटिंग, क्ले मॉडलिंग, कार्टूनिंग, रंगोली आदि की यहाँ विधाएं होंगी। आज जो है ना, पहले दिन स्पॉट पेंटिंग और क्ले मॉडलिंग होगी यहाँ पे। ये अभी आप देख रहे हैं, ये स्पॉट पेंटिंग हो रही है। सामने का लड्डू गोपाल मंदिर, यहाँ का स्पॉट दिया है हमने, सीन दिया है, यहाँ का बच्चा काम कर रहा है। किस तरह से छात्रों को ये उच्च शिक्षा विभाग का उद्देश्य ये है कि चूंकि ये कलाओं से संबंधित विधाएं हैं और हर विश्वविद्यालय, हर कॉलेज में ये विधाएं नहीं है, लेकिन उच्च शिक्षा का उद्देश्य ये है कि एक आयोजन के तहत, युवा उत्सव के तहत छुपी हुई जो जो खासियत है बच्चों के अंदर, प्रतिभाएं हैं, युवा उत्सव के माध्यम से निकल के आए और इनको एक शासन के द्वारा दिया गया मंच है जो राष्ट्रीय लेवल तक जाता है और बच्चों को राष्ट्रीय पहचान मिलती है और उनको उसमें प्लेटफॉर्म भी मिलता है जिससे वो भविष्य में अपना काम कर सके। हाँ, ये अच्छा प्रयास है उच्च शिक्षा का और ये वक्त वक्त पे होते रहने चाहिए। इससे बच्चों में प्रोत्साहन की भावना और प्रोत्साहन भी होता है। समय समय पे जब ये काम अगर ज़्यादा विस्तृत रूप से हों तो एक दूसरे को गाइडेंस भी अच्छा मिलता है कला के लिए। और इस को करने के बाद जो बच्चे इसमें नंबर पाते हैं अच्छा, उनको देखकर भी कुछ बच्चों को उत्साह होता है। कितनी जरूरी है छात्रों में, बच्चों में कलाएं आज के समय में? देखिए, कलाएं तो सबको जरूरी हैं और जिसमें कला नहीं है, मेरा पर्सनल मानना है, फिर तो वो आदमी नीरस है। कला तो होनी चाहिए। अब वो कला की कई विधाएं हैं, बहुत ज़रूरी है कला होना। उससे आदमी का जीवन जो है वो बैलेंस होता है और ज़िंदगी में कला बहुत ज़रूरी है, चाहे वो चित्रकला हो, चाहे मूर्ति कला हो, चाहे वो डायरेक्शन हो, चाहे आपकी कला हो, कला ज़रूरी है। यहाँ पर बच्चों को अलग अलग थीम दी गई है पेंटिंग के लिए? हाँ, थीम दिए हुए हैं, लैंडस्केप है और इसको देख के लोग बना रहे हैं। स्पॉट पेंटिंग में जो भी हमको दिखता है वो बच्चे उसको पेंटिंग द्वारा बनाते हैं। इस प्रतियोगिता में शामिल होने के लिए आए सागर संभाग के अनेक जिलों के विद्यार्थियों ने भी यहाँ आकर खुशी व्यक्त की और अपने अनुभव बताए। सागर से, गर्ल्स कॉलेज। कौन सी थीम आपको मिली है? सर, प्राकृतिक दृश्य बनाना है स्थल चित्रण। यहाँ आयोजन में आने के लिए कितनी उत्सुकता है? सर, उत्सुकता तो है और स्थल चित्रण में तुरंत बताते हैं वो कि कहाँ क्या बनाना है, तो फिर वही तैयारी ऐसे ही देख के बना रहे हैं। छतरपुर आई है, सर अच्छा लगा। हमारा नाम पूनम प्रजापति है, हम दमोह जिले के हटा कॉलेज से हैं। और कौन सी आपको थीम मिली है? वो स्पॉट पेंटिंग की थीम मिली है हमारे लिए। सामने जो मतलब दृश्य है उसको देखकर जो भी आपके मन में आओ बनाओ अच्छे से अच्छा। कैसा यहाँ पर लगा है आपको? बहुत अच्छा लगा है। हाँ, यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी है, अच्छा लगा है। जी भैया, मेरा नाम लक्ष्मण हरवार है, मैं निवाड़ी डिस्ट्रिक्ट से आया हूँ और मैं यहाँ जिला स्तर, संभाग स्तरीय युवा उत्सव कार्यक्रम में मैंने भाग लिया। किस तरह से तुम क्या बना रहे हो? ये आप यहाँ पर दृश्य है, स्पॉट पेंटिंग ये मैं बना रहा हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ पर युवा उत्सव के लिए कितनी तैयारी आपने की थी यहाँ पर भाग लेने के लिए? क्या जी, तैयारी तो मैंने की और यहाँ मैं भाग ले रहा हूँ, सहभाग तो ली मैंने आज और आप काम देख भी रहे। ये स्पॉट पेंटिंग है, जो सामने जो भी स्पॉट दे दिया जाता है कि इसे आपको देख के बनाना है, तो वही ना। तो इस आयोजन को लेकर पहले तैयारी आपने की? वैसे ज़्यादा तैयारी तो नहीं, मेरा सब्जेक्ट ही है ड्राइंग, तो उसी में हो जाती है तैयारी।